ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 स्लाइस ब्रेड। इसको मैं चारों तरफ से कट कर लूँगी। इसको मैंने चारों तरफ से कट कर लिया है। मिल्क ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखी हूँ। अब कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर। बटर को अच्छे से फैला लूँगी इसमें। इसको अच्छे से फैला ली हूँ। अब ये बटर गर्म हो गया है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 स्लाइस, फिर उसके ऊपर 1 स्लाइस, फिर से उसके ऊपर और 1 स्लाइस। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं थोड़ा थोड़ा करके मिल्क। मैंने यहाँ पर 1 कप मिल्क लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगी। सारा दूध सूखने के बाद फिर इसके ऊपर मैं दूध डालूंगी। अभी पूरा सा दूध डाल दूंगी, 1 कप पूरा। 1 कप दूध मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है। ये सारा दूध सूखने के बाद इसको पलटा दूंगी। अभी पूरा दूध सूख गया है। पूरा दूध सूखने के बाद मैं इसको पलटा लूंगी। इसको पीछे भी गोल्डन कलर आने के बाद इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर इसको कढ़ाई में से प्लेट में निकाल लिया है। आप इसके ऊपर हर्षी सिरप चॉकलेट फ्लेवर डालकर खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।